अगर आप भी पेटीएम यूजर हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आरबीआई ने किया है प्रतिबंध लगाने का ऐलान। पेटीएम की ज्यादातर सेवाओं पर लगेगी रोक। दोस्तों, ये खबर सुनकर पेटीएम यूजर्स को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बुधवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 29 फरवरी 2024 से प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब ये है कि 29 फरवरी 2024 से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को नए ग्राहकों को शामिल करने, किसी भी ग्राहक खाते, वॉलेट और फास्टैग में जमा और टॉपअप स्वीकार करने से रोक दिया जाएगा। हालांकि आरबीआई ने अपने वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि पेटीएम को कुछ सेवाओं की अनुमति दी जाएगी, जैसे कि वॉलेट में बचे बैलेंस को ग्राहक अपने बचत खाते में ट्रांसफर कर पाएंगे। आइए हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि आप पेमेंट करने के लिए पेटीएम की जगह किस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल आरबीआई की वेबसाइट के अनुसार पेटीएम के ग्राहक बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड में बचे बैलेंस की निकासी या उपयोग बिना किसी प्रतिबंध के कर पाएंगे। आरबीआई की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में ऐसा भी कहा गया है कि सभी पाइपलाइन ट्रांजैक्शन और नोडल अकाउंट्स की लेन देन को पूरा करने का समय 15 मार्च तक पूरा किया जा सकेगा, लेकिन उसके बाद किसी भी तरह की लेन देन की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि भारत में ऑनलाइन पेमेंट करने वाले यूजर्स के लिए पेटीएम एक बड़ा ऑप्शन हुआ करता था। पेटीएम के जरिए लाखों लोग रोजाना पेमेंट करते हैं। ऐसे में अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक की ज्यादातर सुविधाओं के बैन होने के बाद यूजर्स को दूसरे पेमेंट ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करना होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पेटीएम के अलावा कुछ और भी पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल आप 29 फरवरी के बाद भी ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए कर सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, अमेज़न पे, व्हाट्सएप पे, मोबीविक, फ्री चार्ज, एयरटेल मनी और जियो मनी। तो दोस्तों, इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।